हेलो माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू बल्लू मैक्स आवर चैनल। आज की जो ये वीडियो है, ये उत्तराखंड में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चिलोटिया, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। उत्तराखंड में एक लोकेशन है रामनगर, काफ़ी फेमस है, आप सबको उसके बारे में मालूम ही है। वहाँ पर जिम कॉर्बेट है, वो भी एक रिनोवेंट प्लेस है, उसके बारे में भी आपको पता है। तो वहीं पर हम इस समय हैं। जिम कॉर्बेट रामनगर, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। बट उससे आगे की जो लोकेशंस हैं वहाँ पर बहुत कम, उन लोकेशंस की बहुत कम वीडियो हैं यूट्यूब पर। तो एक मेरा छोटा सा अटेम्प्ट है कि उससे आगे के लोकेशंस भी आप जानिए, देखिए। कॉर्बेट के बाद आएगा मोहाना, गर्जिया, ये लोकेशंस के नाम है। इस लोकेशंस पर अभी हमारी गाड़ी चल रही है, इस लोकेशन पर काल मूवी की शूटिंग हुई थी। चलते चलते बारिश होने लगी है, सफ़र में बारिश हो उसका भी एक अपना ही अलग ही मज़ा है, उसका एंजॉय कीजिए। हल्की झिमझिम बारिश हुई थी, अब वो बारिश झिमझिम बारिश अब बहुत जोरों से होने लगी है। मोहाना गर्जिया के बाद जो लोकेशन आएगी उस लोकेशन का नाम है डोटियाल। व्यूअर्स ये देखिए प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, बस अब सब कुछ भूल जाइए और इन व्यूज़ को देखिए। ये प्रकृति के अद्भुत नज़ारे, और व्यूअर्स ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये जो महीना है, ये मई का टाइम है, मई महीने का। जब हम दिल्ली सिटी में होते हैं मई में, आपको पता है कितनी भयंकर गर्मी होती है। बट उसके अपोजिट देखिए, मई महीने में देखिए क्या अद्भुत व्यूज़ हैं यहाँ के। उत्तराखंड में लोकेशन है डोटियाल, प्रकृति का सौंदर्य देखिए और सब कुछ भूल जाइए।
डोटेयाल से 20-25 किलोमीटर के बाद ये सुंदर सा गांव, एक छोटा सा गांव उत्तराखंड में जलोटिया गांव अब आ चुका है। अब ये वहाँ के व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए व्यूअर्स, ये मई महीने का टाइम है, मई का। गर्मी में मर रहे हो, इधर देखो पहाड़ों में मजा आ रहा है। रात को इतनी ठंड थी, बहुत मजा आया। मैंने अपनी लाइफ में सोचा ऐसा कुछ होगा, बट दिस रियलिटी ब्रदर। बल्लू भाई ने मुझे दिला दी। बल्लू भाई की जय हो। जय हो बल्लू भाई की। बल्लू भाई की जय हो। बातों में घुमाया बल्लू भाई ने। कुछ दिन तो गुजारो उत्तराखंड में। चलिए अब थोड़ा फोटो शूट कर लिया जाए। गांव से थोड़ा सा आगे 3-4 किलोमीटर एक गांव आता है समैया, वहां की ये नदी है। हमने एक प्लान बनाया, हम सबका बड़ा मन था कि रिवर साइड, नदी के साइड हम कुछ करें, कुछ कुकिंग करी जाए। तो उसी के लिए मैं ये लकड़ियां इकट्ठे करते हुए, इसका भी एक अपना ही मजा है व्यूअर्स। घर पे तो हमने बहुत बारी कुकिंग की है, बट नदी के किनारे कुकिंग करना है, उसको अलग ही मजा है। ये फ्रेंड्स लोग नहाते हुए नदी में। कुकिंग के लिए अपना सामान इकट्ठा करते हुए, हमारे पास अपने बर्तन थे ही, चिकन हम बना रहे हैं। चलिए थोड़ा आराम कर लिया जाए। ये देखिए हमारा चिकन बन रहा है देसी चूल्हा। मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी चिकन बना रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो वेजिटेरियन है, तो वो अपने लिए कुछ पनीर बनाता होगा। नाउ आवर फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, अब ये बन के तैयार हो चुका है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा आगे एक मैगी पॉइंट है, हमारे बॉर्डर जी हैं, वो मैगी बना रहे हैं।
ये गांव है। मेरा फ्रेंड ने कभी रियल लाइफ में आम का पेड़ नहीं देखा था, उसको भी ये देखने का अनुभव हुआ और वह आम तोड़ता हुआ। गांव में हमें गांव के लोग मिले, उनके साथ मैंने फ़ोटो सेशन कराया, उन्होंने हुक्का पिलाया, हुक्के का भी टेस्ट करा और अब रात हो चुकी है। समैया से 3-4 किलोमीटर आगे एक गाँव है जिसका नाम है रिक्शाल, वहाँ पर हम रुके थे हम रात में प्रोग्राम करते हुए। समझ ही गए होंगे आप, ये कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स। देसी गाने चल रहे हैं, उत्तराखंड के संगीत चल रहा है, उत्तराखंड के गाने चल रहे हैं। व्यूअर्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों का मन भी हो उत्तराखंड में घूमने का, जिन लोकेशंस के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट से लेकर रुकने तक का हम सब अरेंजमेंट कर देंगे आपके लिए। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।